हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बहुत रिक्वेस्ट आई हुई है कि यूरिक एसिड के लिए कोई होम रेमेडीज या कोई ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडीज बताई जाएं, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज से परेशानी है और इससे निजात पाना चाहते हैं बिना दवाइयों के, आसान तरीके से, नेचुरल तरीके से। क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ हूं और मैं हमेशा जो भी तरीके बताती हूं, जो भी रेमेडीज बताती हूं, वो नेचुरल होती हैं, हमारे घर में, हमारी किचन में मौजूद होती हैं और उन्हीं को इधर से उधर मिला के रेमेडीज बन जाती हैं जो बहुत फायदा करती हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी रेमेडीज जादू की पुड़िया नहीं होती है, उसके लिए कई कई जगह पर काम करना पड़ता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड अगर किसी को है तो उसे दो चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, एक अपना लाइफस्टाइल, दूसरा अपना डाइट। अगर ये दो चीजों पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी बीमारी अगर हो भी गई है तो टिकेगी नहीं, वो निकल जाएगी, ठीक हो जाएगी। यूरिक एसिड क्या होता है? हम जो फूड आइटम्स खाते हैं उसमें कई आइटम्स, कई चीजें ऐसी होती हैं जो प्यूरिन रिच होती हैं। प्यूरिन एक एलिमेंट है जो फूड आइटम्स में मिलता है, ज्यादातर ये सी फूड में मिलता है, मीट में मिलता है, एल्कोहल से अपनी बॉडी में जाता है। कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ऐसे हैं जिनमें प्यूरिन होता है। प्यूरिन जब डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में तो यूरिक एसिड उसका एक बाई प्रोडक्ट है, बट हमारी बॉडी जो है उसको सेग्रीगेट करने में, उसे फ्लश आउट करने में कामयाब होती है अपने आप ही। लेकिन अगर ये एक्सेस में खाए जाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में खाए जाएं, तो उस कंडीशन में हमारी जो किडनी है उसको ठीक से सेपरेट नहीं कर पाती और फ्लश आउट नहीं कर पाती हैं, तब ये हाइपर यूरिसीमिया का एक रूप ले लेती हैं और इसका इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर किसी के बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसे जोड़ों में दर्द, जैसे उंगलियों के जोड़ों में भी दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, एक थकान रहना जोड़ों में या उंगलियों में, एंकल्स में एक चुभन वाला दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस लगता है जैसे ड्रिल कर रहा हो कोई, ऐसा दर्द होना शुरू हो जाता है। हाई बीपी हो सकता है, ज्वाइंट पेन मैंने बताया हो सकता है, और उसके साथ साथ अर्थराइटिस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, हो सकता है और बढ़ सकता है। तो ये यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने से कुछ एक बीमारियां हो जाती हैं, और अगर इनको सही समय पर नहीं देखा जाए, नहीं संभाला जाए, तो ये गाउट का रूप ले लेती हैं और गाउट अगेन बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को जन्म देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी जो है उस यूरिक एसिड को बाहर क्यों नहीं कर पाती है? इसके कई कारण है। नंबर वन तो यही है कि एक्सेस में प्यूरिन जमा हो गया है जिसको निकालना मुश्किल है, उसके लिए अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो उस परेशानी से छुटकारा पाने में आसानी मिल जाती है, आसानी हो जाती है। वेट कम करना होगा, अगर किसी का वेट ज्यादा है तब भी हमारे जो इंटरनल जो हमारे पार्ट्स हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, जो हमारी मशीनरी है जो अपना काम कर रही है, उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर आता है, एक्सेस लोड आता है और वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाती है। तो ऐसे में अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, उन्हें बंद करना होगा। कुछ ऐसी हैं जो इसमें फायदा करती हैं, उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना होगा। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है या अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे रखा जा सकता है कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो उसमें सबसे पहला नाम और सबसे आसान तरीका जो हमारी किचन से आता है वो है अजवाइन का। अजवाइन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जॉइंट में होने वाले इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने से बचाएगा, और जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो कोई जॉइंट पेन और कुछ ऐसा नहीं होगा। अजवाइन खाने से स्टमक एंड डाइजेशन, इन दोनों की बहुत सारी परेशानियां अपने आप में भी ठीक हो सकती हैं। तो अजवाइन को अपनी डाइट में शामिल कैसे करना है कि आपने, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप इस चीज से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहे, तो हफ्ते में एक दिन, वंस इन अ वीक, आप एक टेबलस्पून अजवाइन रात को एक गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह उसको एम्प्टी स्टमक पी लें। ये तो तरीका हो गया कि अपने आप को बचाने का, कि कोई भी प्रॉब्लम हमें हो ही नहीं। लेकिन अगर हो गई है,
यूरिक एसिड बनना शुरू हो गया है जो परेशान कर रहा है, तब क्या करें? तब यही रेमेडी आपने डेली लेनी है, कम से कम 10 दिन, फिर एक दिन का ब्रेक देके फिर 10 दिन। रात को 1 टेबल स्पून अजवाइन 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिला के रखना है, सुबह छान के वो पानी पीना है, अजवाइन नहीं खाना है आपको, वो पानी पीना है, नंबर 1 रेमेडी। इसके साथ साथ आप एक रेमेडी और भी अपना सकते हैं जो बहुत फायदेमंद है। उसमें आपको छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और 1/2 टीस्पून अजवाइन, इन दोनों चीजों की चटनी बनानी है आपने, बहुत बारीक इनको पीसना है और उसको अपनी डाइट में शामिल करना है। चाहे आप उसको अपने योगर्ट के साथ ले रहे हैं या अपने सैलेड के साथ ले रहे हैं, सलाद के साथ ले रहे हैं, या कोई ऐसा अपना आप ड्रिंक बनाते हैं जैसे स्मूदी वगैरह, उसमें डाल के ले रहे हैं, बट वो आपकी डाइट में डेली शामिल होना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं, अगर आप इनको अपना लेते हैं तो यूरिक एसिड अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी और काम भी आपको करने होंगे तभी आप बचे रह पाएंगे सिर्फ ये रेमेडीज से नहीं। नंबर 1 पर आता है वेट लूज करना होगा, प्रोसेस्ड फूड खाने, डब्बा बंद चीजें खानी बंद करनी होंगी, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसका कंजम्पशन बिल्कुल बंद करना होगा अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो, और कई तरह के मीट वगैरह जो हैं, सी फूड वगैरह जो है जो नुकसान करते हैं उनको भी बंद करना होगा। शुगर अवॉइड करनी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर सारे अवॉइड करने हैं आपको। जितना फाइबर रिच फूड खाएंगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, उतना डाइजेशन सही रहेगा, और ये जो प्यूरिन वगैरह का एक्युमुलेशन है वो बॉडी में नहीं होगा, शरीर में नहीं होगा। तो आपको फाइबर रिच फूड खाने हैं, और उससे एक फायदा और भी होता है कि वो आपको लंबे टाइम तक फुल रखते हैं, तो मोटापे का भी कारण नहीं, मतलब अगर आप वेट भी लूज करना चाहते हैं तब भी आपको फाइबर रिच फूड्स जो है बहुत फायदा करेंगे। जब सेहत की बात आती है तो स्वाद को नहीं देखना होगा, आपने पहले अपनी सेहत को देखना होगा। सेहत है तो फिर जिंदगी का सवाल, अगर सेहत ही नहीं होगी तो जीव के स्वाद का क्या करना है। और सबसे बड़ा जो आजकल मेन परेशानी का कारण है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होगा, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं, वो भी स्ट्रेस में आए रहते हैं, और जो उनका नेचुरल काम है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो आपको स्ट्रेस लेवल को भी कम करना होगा। जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, सभी प्यूरिन्स भी खराब नहीं होते, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये फ्रूट्स में भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स में भी होते हैं, लेकिन जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो वाले प्यूरिन्स आपको नुकसान नहीं करेंगे, उनको तो बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर सकती है। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन से फूड आपको अवॉइड करने हैं, कौन से अपनी डाइट में शामिल करने हैं, ताकि आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकें। जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता है तो ज्वाइंट्स के अंदर ये क्रिस्टल के फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है, और वो जो क्रिस्टल फॉर्म में जमा हुआ यूरिक एसिड है वो आपको अपने हाथ पैर हिलाने में तकलीफ देगा, हाथ नहीं हिलेंगे, हाथ मुड़ जाएंगे, दर्द होगा, चलने में प्रॉब्लम होगा, तो ये बहुत कष्टकारी हो जाता है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो। और इलाज मैंने बताया बहुत आसान सा, तो आप इस, क्योंकि अजवाइन का मैंने बताया है आपको, 2 चीजें बताई हैं, दोनों ही बहुत फायदा करती हैं। अजवाइन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करती हैं। तो आप इस तरीके से अजवाइन को अपनी डाइट में शामिल करें और इस परेशानी से छुटकारा पाएं। अपने व्यूज देके मुझे जरूर बताएं कि आपको इनसे कितना फायदा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको देख पाए, इनको जान पाए और इसके बारे में जानकारी आगे तक फैला पाए। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल भी है वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी आपको मोटिवेशन के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और अगर आप अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हैं तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।